So hello everyone, welcome back to my vlog. और ये जो सेलिब्रेशन चालू है अभी वो है 4th जुलाई, यहाँ इंडिपेंडेंस डे होता है तो उसी का सेलिब्रेशन शुरू है. मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला कि 4th जुलाई को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं ये लोग. आई मीन हमारे लिए तो दिवाली की तरह, हम जिसको दिवाली बोलते हैं शायद वो उस हिसाब से उस टाइप का सेलिब्रेट करते हैं इधर. तो हम लोग बाहर वॉक के लिए निकले थे पर कर नहीं पाए क्योंकि हर जगह ही लोग, मतलब कम्युनिटी में वैसे मना किया गया था कि आप ये नहीं कर सकते, मतलब फायर क्रैकर्स वगैरह नहीं जला सकते, लेकिन लोग जला रहे थे हर जगह. तो करते ही है ना, कुछ रूल्स तोड़ते हैं. तो अब मैं सोच रही हूँ कि डिनर में अंकुश को कुछ तीखा खाने का मन है. वो मोस्टली खाता नहीं रात को, मोस्टली वो रात का मील बहुत लाइट करता है, बहुत कम खाता है. बट आज वो बोल रहा है कि उसको प्रॉपर, मतलब रोटी और कोई भी सब्जी चाहिए. तो सब्जी क्या ही, उसको ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है. तो वो मोस्टली यही बोलने वाला है कि भुर्जी बना दो. तो इससे पहले कि वो आया है और वो अभी फ्रेश होने गया है, तो तब तक मैं भुर्जी बनाती हूँ और रोटी बना लेती हूँ. और टाइम हो रहा है रात के 12:30. कभी भी कुछ भी करना पड़ता है. मेरा भुर्जी बहुत टेस्टी बनता है. मतलब मैं जो भुर्जी बनाती, मेरा नहीं जो भुर्जी मैं बनाती हूँ वो भी बहुत टेस्टी बनता है. तो अंकुश वैसे बहुत अच्छी भुर्जी बनाता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. और उधर वो देखो ही मत, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. पर मेरी भुर्जी भी अच्छी, मतलब मेरी बनाई हुई भुर्जी भी अच्छी ही होती है. तो प्याज की चॉपिंग हो गई है. जो आपको आवाज़ आ रहा है वो टीवी का है, उसको इग्नोर करना. और ये रहा मिर्च, मिर्च को भी मैं चॉपर से ही चॉप कर लेती हूँ, हमेशा ज़्यादा इजी होता है मेरे लिए. कटिंग वटिंग का कोई झंझट नहीं रहता, तो मिर्च को भी चॉप कर लिया है. हमें तीखा पसंद है, मैंने ज़्यादा किया है. मैं कोई रेसिपी नहीं बता रही, बस बता रही हूँ कि कितने फास्ट बनाती हूँ मैं. तो बहुत फास्ट बनाती हूँ, मतलब बहुत बेइंतहा फास्ट. मतलब अंकुश जितनी देर में सोच नहीं सकता उतनी देर में मेरा भुर्जी बन के तैयार, मतलब भुर्जी रेडी हो जाता. मैं एक ये इस स्टेज पे आ चुका है, मैंने अंडे वंडे सब डाल दिए. तो मैं इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालूंगी, मेरा एक सीक्रेट मसाला है जिसे काफ़ी टेस्टी बनता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है. वो है ये पाव भाजी मसाला. ये पाव भाजी मसाला मैं ज़रूर डालती हूँ, यही नहीं कोई भी पाव भाजी मसाला चलता है, सिर्फ इसी ब्रांड का नहीं, पर पाव भाजी मसाला डालती हूँ. ये मेरा सीक्रेट है जो मैं अंकुश को भी नहीं बताती, पर शायद इस वीडियो के बाद उसको भी पता चल जाएगा. तो चलो हो गया, अब ये बन चुका है. अब इसको जल्द से जल्द बस थोड़ा चलाकर अलग करके देते हैं अंकुश को. ये रहा तीखा और चटपटा भुर्जी तैयार, पाव भाजी फ्लेवर्ड. हमारा वॉकिंग सेशन अभी कंप्लीट हुआ है. नहीं हुआ नहीं है, घर तक जाना बाकी है. हाँ मतलब घर तक जाना बाकी है, बट जो मेन मोटापे को कम करने का जो मेन फेज होता है फास्ट चलना, वो हो चुका है. पेट देख के आपको लग ही रहा होगा काफी निकल चुका है. हाँ अंकुश का पेट काफी निकल चुका है. मैं पतली हूँ अभी भी. हमारे कम्युनिटी के सामने जस्ट जो एक पार्क है वहाँ पे आए हैं. मैं सेकेंड टाइम आई हूँ एक्चुअली, इससे पहले आई नहीं थी. तो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, और मैं पीछे का दिखाती हूँ बैक कैमरा ऑन करके, पर बहुत पीसफुल है. और यहाँ पे ना ऐसे ठंडी हवा आ रही है कि यहाँ पे एक छोटा सा कनाल टाइप है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के. और पीछे मैच भी खेल रहे लोग, अच्छा होता है यहाँ पे. काश इतना स्पेस मुंबई में भी होता और वहाँ हम भी बैठ पाते ऐसे सुकून से कहीं पे भी. वहाँ तो खड़े रहना पड़ता है, बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है. पर अंकुश को मुंबई की बुराई अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो एंड ऑफ द डे वही जाना है, और खुशी खुशी जाना है, नो रिग्रेट्स. हाँ पता नहीं कब जाते हैं अब. हमारा घर, मेरा घर मुझे मिस कर रहा होगा. मैं मुझे बेदखल कर दिया. हाँ
वो मेरा घर है मेरा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ ईएमआई भरना बंद कर दूँ। ये हर बात पे यही धमकी देता है, ये मैं भरना ही बंद कर दूंगा। चलो बैक कैमरा ऑन करके मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छे है पूरा सराउंडिंग और यहीं हम बैठे हैं और ऐसा दिखता है। यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 8 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ पे इतनी ज्यादा रोशनी है, मतलब सनलाइट है अभी भी। और जो कि यहाँ पे स्टॉर्म आया है पूरा क्लाउडी है, वरना यूजुअली 8:40-8:45 के आसपास अंधेरा होता है। हाँ, पर यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और यही है वो पार्क, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो इतना बड़ा है। और वो जो ब्रिज है उसी पे खड़े होके हम फोटो सेशन करते हैं जब हमारा मूड अच्छा होता है। अभी तो हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं क्योंकि हम बहुत दौड़ भाग करके आए, तो जब हमारा फोटो सेशन का मूड होता है तो वहीं पे खड़े होके करते हैं। पर डर भी लगता है वहाँ पे खड़े होने से, टूटने का। हाँ, मेरा वजन तो फिर भी ठीक है, अंकुश का वजन उसका क्या? अनु इज एज लाइट एज अ फेदर, उसका मतलब वेट ब्रिज पे कुछ होगा। ये जो बिल्डिंग है वो स्कूल है, ये स्कूल है। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, आवाज आ रही है ना। और वहाँ यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अभी यहाँ पे जो शाम होगी, एक्चुअल मतलब अंधेरा जो होगा वो 8:30 के आसपास होता है, 8:30 के आसपास। हाँ, पर अच्छा है, पूरा एरिया बहुत अच्छा है। आ गए भाई घर, बट बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा। मुझे तो ऐसा लगा कि वहीं बैठे रहते तो ज्यादा बेटर था। और टाइम हो रहा है 8:30, अभी भी अंधेरा हुआ नहीं है। सो यहाँ वेदर ऐसा ही रहता है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, अभी तो सांस भी नहीं आ रही मुझे, ज्यादा फैट होने का डिसएडवांटेज। अभी टाइम हो रहा है कितना, 3 बज रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कहीं जाते हैं बाहर, ज़रा घूम के आते हैं। और अंकुश ने कुछ टी शर्ट्स लिए थे, उसको रिटर्न करना है, तो वो सब काम भी करते हुए आएंगे। घर पे बैठ के वैसे भी करना क्या है, वेदर अच्छा है तो इट मतलब धूप है, अच्छा तो नहीं है, धूप है। देखते अगर कहीं गए हम लोग वहाँ से तो ठीक है, अदरवाइज अंकुश का 5 बजे प्रैक्टिस सेशन है क्रिकेट में, जो उसका चलता ही रहता है हर वक्त। तो अभी हम वहीं जाएंगे, अभी जाती हूँ मैं, निकलती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। और मिलती हूँ, अगर वहाँ पे शूट कर पाई तो करती हूँ मैं। तो जब तक मैं ऊपर मतलब अपडेट दे रही थी आपको कि क्या करने वाले, तब तक अंकुश ये नीचे वीडियो बना रहा था। वो जब भी किसी स्क्विरल को देखता है वो उनके वीडियोस बनाता है, बट आप देख लो काफ़ी क्यूट वीडियो, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया इस पर। आई होप सबको ही बहुत पसंद आएगा, बहुत क्यूट है। बट अब जाने का टाइम हो रहा है तो चलो चलते हैं। तो पहले आते हैं कोल्स, जो रिटर्न करना था हमें टी शर्ट अंकुश का, वो रिटर्न किया अंकुश ने। और यहाँ पे वो अपने देख रहा था कुछ, हमारा कुछ प्लान है तो उसके लिए वो देख रहा था, बट अमाउंट देख के वो एज़ यूजुअल चला गया, उससे कोई रिश्ता नहीं रखता वो उन चीज़ों से जो महंगी हो। और स्पेशली अगर कपड़े हो तो उसको कपड़ों में इन्वेस्ट करना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता। पर वो जाता हर सेक्शन में, हर सेक्शन में मतलब 15 मिनट वो वेस्ट ज़रूर करता है, मेरा भी और अपना भी। इससे अच्छा मेरे सेक्शन में चले, मेरे सेक्शन में ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं और मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करती, बस देख देख के लेती भी हूँ। Hey guys, so अनु मुझे लेके आ गई है अपने फेवरेट सेक्शन में जो कि है कपड़ों का। सो यहाँ पे कपड़े ही कपड़े हैं एंड स्पेशली लड़कियों के कपड़े हैं, नेवर एंडिंग लाइन। तो बस वो उसमें ही मग्न है एकदम। और देख सकते हो घर पे वीडियो कॉल करके दिखाते हुए, होपफुली जल्दी हो जाए फाइनलाइज्ड कि कौन सा लेना है,
क्योंकि वो एक सबसे बड़ा टास्क रहता है फाइनल करना कि कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा लेना है। तो आई हूँ तो मैं अपने फेवरेट सेक्शन में भी आऊँगी। ये मेरा कॉफ़ी मग्स का सेक्शन जो अंकुश ने लेने नहीं दिया। कितने क्यूट मग्स है लेकिन एक भी अंकुश ने लेने नहीं दिया क्योंकि महंगे थे। तो अब बारी है हमारे आज के नए एरिया को एक्सप्लोर करने की। तो हम आए हैं ग्रासी वाटर प्रिजर्व में। ये हमारे घर से ऑलमोस्ट 5 माइल के डिस्टेंस पे है। तो मतलब हम बस देखते रहते कि आसपास कुछ देखने लायक है जो हमने नहीं देखा हो। तो हमें ये सजेस्ट किया गूगल महाराज ने। तो बस हम यहाँ पे आए हैं, पार्क करते हैं गाड़ी और जाके देखते हैं ऐसा क्या खास है कि गूगल महाराज ने हमें ये सजेस्ट किया है। तो पार्क करने के बाद आपको भी दिखाती हूँ, एंटर करूँगी तो आपको भी दिखाऊँगी ऑब्वियसली। तो एंटर कर रहे हैं हम अभी अंदर और ऐसा दिखता है एंटर करते ही। एक्चुअली काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ये, इन्होंने काफ़ी दूर तक अपना मैं और अंकुश दोनों ही एंड पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाए इस जगह के, समझ ही नहीं पाए कि एंड पॉइंट है कहाँ इसका। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। जिनको ग्रीनरी पसंद है, आसपास सुकून से एक घंटा गुजारना है, वो यहाँ पे आओ। यहाँ पे आके आप इजीली मतलब कुछ भी कर सकते हो, सोच सकते हो, चुपचाप बैठे रह सकते हो। इनफैक्ट ये एलिगेटर पॉइंट था। तो ये पानी में बोलते तो है कि एलिगेटर्स है और यहाँ पे बोट्स भी लगा के रखे थे। तो ऐसा ही है, अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। तो यहाँ से है एंट्री, नेचर सेंटर जो लिखा है उस बोर्ड से हमने एंटर किया था। यही एक था जो एक ही ओपनिंग था, अदरवाइज़ आप आगे जाओगे तो बहुत सारे ओपनिंग्स आपको आगे दिखेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि इससे अच्छा कि खो जाएं, हम स्ट्रेट लाइन में चलते रहे क्योंकि टाइम भी हो रहा था पार्क के बंद होने का। तो ऐसा ना हो कि हम अंदर ही अटके पड़े रहें और इतना सेक्लूडेड एरिया है कि कोई हमें ढूंढ भी ना पाए। तो आप देखो, मैं आगे दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत शायद बहुत लंबा है, हम तो पूरे पूरे को कवर भी नहीं कर पाए, पर बहुत लंबा है। जब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं तो ये है आगे। आप जितना आगे जाओगे आप उतने ही आपको ऐसा फील होगा कि आप जंगल के बीचों बीच हो, ऐसा ही फीलिंग इन लोगों ने देने की कोशिश की। और काफ़ी हद तक ये लोग सक्सेसफुल भी रहे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हाँ। अभी शायद मैं आगे जाऊंगी, अब सोच रही हुई कि जाऊँ या ना जाऊँ। चलते हैं, रिस्क लेना पड़ेगा।
आगे जाके देखते हैं। इसको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, अब जाके देखते हैं। तो आगे भी एलिगेटर्स पॉइंटी है, शायद इधर जाने नहीं देंगे। हाँ, इन्होंने रोप लगा के रखा है, दैट मीन्स नहीं जाने देंगे। हाँ, ये बोर्ड जहाँ भी लगा है मतलब ये एलिगेटर्स पॉइंट है, तो वो नहीं जाने देंगे। इन्होंने एक डेक टाइप का, सॉरी, डेक टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है कि आप बैठो, हवा लो, आराम से बैठो, एंजॉय करो, ऐसा ही दिया है। मैं अंकुश को देखने चली गई थी और अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुकून था, बहुत बहुत बहुत। यहाँ पे इतनी शांति है, इतनी शांति है, मतलब दूर दूर तक गाड़ियों की आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे यहाँ पे आपको ऐसे एरियाज़ बहुत मिलेंगे जहाँ पे आप सुकून से रह सकते हो। 1 घंटा अगर आप टाइम डेडिकेट करके जाओ तो आप सुकून ही सुकून मिलेगा आपको। और ये बोर्ड लगा था यहाँ पे, आप यहाँ क्या देख सकते हो आज, तो ये बोर्ड था आज। हमें तो इसमें से कुछ भी दिखा नहीं, पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया बस। हे गाइस, अगर अनु ने रिवील कर दिया है कि हम लोग कहाँ आए हैं तो सॉरी, आप लोग को ऑलरेडी पता है। इन केस नहीं तो हम लोग हैं ग्रासी वाटर प्रिजर्व। ये है घर से अराउंड लाइक 5-6 माइल्स हैं। इट्स क्वाइट अ सीनिक प्लेस, कैसे बोलूँ, आप मार्शी एरिया है, उसके बीच में ये लोगों ने अच्छा खासा एक ब्रॉडवे बना के रखा है चलने के लिए। सो इट्स क्वाइट एन एरिया, मतलब शांत है, बहुत शांत है। मैं बस इसके एंड टू एंड देख रहे हैं कहाँ तक जाता है ये, कैसा है, क्योंकि हम लोग को अभी पार्क बंद होने से पहले ही निकलना होगा, तो इसके लिए जल्दी जल्दी देख रहे हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे पीछे तो आ रही है, हाँ आ रही है। तो ये रहा सामने का व्यू। और यहाँ पे अनु फोटोग्राफी करने में मशगूल, सॉरी अगर मेरे शब्द बराबर बराबर ना निकले हों तो, आई एम नॉट सो गुड एट इट। ये है कुछ एरिया, ये शायद एक साइड का एंड टिप है। पता नहीं, अगर आप लोग इसको नॉर्थ ईस्टर्न साइड से देख रहे हो तो मुझे तो ये चेयर्स देख के मुझे मेरे गांव की याद आती है। मेरे दादाजी बैठा करते थे ऐसे चेयर्स पे, एंड ये कुछ कुछ वैसे ही है। शैक्स बोलेंगे या हट बोलेंगे, पता नहीं क्या है, बट है, मुझे तो लिटरली गांव की याद आती है देख के। सेम टू सेम ऐसी कुर्सी थी मेरे दादाजी के पास। और ये रही अनु, शायद एंड टिप है इस साइड का, शायद सोच तो रहा हूँ कि यही एंड टिप है, बट शायद ये रास्ता और आगे जाता है। ओ गॉड, हम लोग गुम ना हो जाए यहाँ पे, बस एक ही चीज़ का डर है। काफ़ी भूल भुलैया है, माथी भुतला जाए रास्ता। सॉरी गाइस, एंड टिप तक हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि पार्क क्लोज होने का टाइम है, और अगर हम लोग यहाँ पे स्टकअप हुए तो शायद कल सवेरे से पहले और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे डर बोलो या फिर लेट आने का नतीजा। अब हम लोग रिट्रीट कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ से सब कुछ दिखता हो बाहर जाने के लायक। यहाँ पे हमारी लेट लतीफ़ वाइफी पीछे चलते हुए पता नहीं कुछ कुछ फ़ोटोज़ खींच रही थी। आई होप मेरे अच्छे फ़ोटोज़ खींचा हूँ। फर्स्ट ग्लांस पे ही आपको थोड़ा क्रीपी भी लग सकता है क्योंकि एकदम सेक्लूडेड रहता है। लिटरली आपने भी अभी देखा होगा, बैकग्राउंड में एक भी इंसान अभी तक नहीं दिखा हमें। सो थोड़ा सेक्लूडेड रहता है, बट सुबह के मतलब जब पार्क खुले उसी टाइम पे आना सही है, क्योंकि धूप भी कम होगी और प्लस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड पॉइंट तक भी जा सकते हो। और ये बहुत बड़ा है, अगर हम हर एक गली में, हर हर एक ओपनिंग में घुस कर देखें तो बहुत बड़ा होगा। और पता नहीं कहाँ से कब एलिगेटर आ जाए, फिर से अच्छा है कि हम घर जाएं। तो हम आ गए, घर जाने के लिए निकल चुके हैं मतलब। तो अब हम जाते हैं घर,
बस हमारी गाड़ी वहीं है पार्क्ड। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।